हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुंज विथ एसके में स्वागत है। तो आज हम लोग मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को देखेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मई को देखिए क्या होता है। एक मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है, जो कि 1 मई 1960 को बना था। तो एक मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। और इसी महीने में हम तीन राज्य बने थे, जो कि बारी बारी से देखेंगे। और फिर 1 मई को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। फिर मई महीने के प्रथम सप्ताह में विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 10 जनवरी 1998 को हुई थी। तो मई महीने के प्रथम रविवार, मतलब उस दिन कोई भी दिन हो सकता है, उस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे तीन मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में हमारा जो स्थान है वह 142वां है, मतलब 142 पे है। और इसका थीम जो है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इसका थीम इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। फिर 4 मई को देखेंगे विश्व अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व अस्थमा दिवस का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। और फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, 5 मई को जो है विश्व एथलीट्स दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1996 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है एथलीट्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट 8 मई को वर्ल्ड मनाया जाता है, जो जिसका थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, थीम क्या है, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। फिर इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना। और नेक्स्ट है 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। फिर 8 मई को और मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसका थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। नेक्स्ट 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 11 मई 1998 को आयोजित दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण मिशन शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए यह जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 11 मई 1998 को हुई थी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। और फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और इसकी थीम है परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर नेक्स्ट 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैंने बोला था कि मई महीने में तीन राज्यों का स्थापना हुआ था। सिक्किम की जो स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को किया गया था, जो कि भारत का 22वां राज्य बना था। फिर नेक्स्ट 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, डेंगू और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जिसका थीम है विज्ञान पर विश्वास, ट्रस्ट साइंस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम विज्ञान पर विश्वास, ट्रस्ट साइंस है। नेक्स्ट 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। थीम इसकी है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर्ड एंड री इमेजिन। फिर नेक्स्ट 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 20 मई 2018 में हुई थी। इसकी थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। फिर नेक्स्ट देखेंगे 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारत की सिफारिश पर मनाया जाना शुरू हुआ था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट है 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर।
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र मंडल दिवस जो है वो 24 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। उद्देश्य है थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम उपचार के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना। नेक्स्ट है 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसकी थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। फिर 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस हुआ था। हम लोग देखे थे महाराष्ट्र, गुजरात और फिर सिक्किम, और फिर यहाँ पे गोवा राज्य स्थापना दिवस जो कि 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता। फिर 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसकी थीम हम लोग देखेंगे, इसकी थीम है कमिट टू क्विट। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।